नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टू से के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहां पर दोस्तों अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी सिनोप्सिस के द्वारा उड़ीसा के कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में एक नया R&D सेंटर ओपन कर दिया गया है और इसके थ्रू भुवनेश्वर में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग एंड उसकी R&D के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों सिनोप्सिस एक काफी बड़ी कंपनी है जिनकी सेमीकंडक्टर टूल्स को लेकर काफी अच्छी एक्सपर्टीज भी है। आज से कुछ महीने पहले इन्होंने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में इस R&D सेंटर को लेकर MOU साइन किया था और अब प्लांट्स ग्राउंड पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस R&D सेंटर के बारे में कह सकते हैं कि देश के ईस्टर्न पार्ट में ये पहला R&D सेंटर है जो आगे चलकर उड़ीसा के सेमीकंडक्टर को लेकर जो एम्बिशंस हैं उनको एक काफी बड़ा पुश देगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जहां पर दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्ट करने के लिए DMRC और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा मिलकर एक सबवे का कंस्ट्रक्शन किया जाना है और इसके लिए YEC पीटर्स नाम की कंपनी जो कि इसके लिए लोएस्ट पीटर्स सामने निकल रही है उनको टेंडर भी अवार्ड किया जा चुका है। दोस्तों सबवे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा जिसकी लेंथ अराउंड 70 मीटर के आसपास होगी। बेसिकली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के पास दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन के ऊपर एक मेट्रो स्टेशन बना हुआ है जो कि ऑलरेडी इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को कनेक्ट करता है, लेकिन जो टर्मिनल 2 है अब वो भी डायरेक्टली इस मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा। बॉक्स पुशिंग मेथड का इस्तेमाल इसके कंस्ट्रक्शन के लिए होगा जिसके चलते मेट्रो स्टेशन तो टर्मिनल 2 से कनेक्ट हो गई होगा, साथ साथ जो टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3 है वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी के समय में अगर लोगों को टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 के बीच में ट्रैवल करना होता है तो ऑलमोस्ट 500 मीटर उनको चलना पड़ता है, लेकिन जब ये सबवे बन जाएगा तो मैं 70 मीटर के अंदर अंदर ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे। अगली दो सबडे निकल कर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 40,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इनको कैरी आउट करे। दोस्तों हाइड्रो पावर में अगर हमारे देश में कोई ऐसी स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है तो वो अरुणाचल प्रदेश ही है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10% से भी कम किया गया है। अभी धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर चुकी है। तो सबको मैं डिटेल में बताऊं तो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहां पर अप्रूव किए गए हैं, एक दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के इटालियन विलेज में बनकर तैयार होगा जिसकी कैपेसिटी अराउंड 3097 मेगावाट की होगी, जबकि दूसरा अटोनी विलेज में बनकर तैयार होगा जो कि अगेन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी कैपेसिटी अराउंड 680 मेगावाट की होगी। पहला क्योंकि बड़ा होगा तो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उसी के ऊपर होगी। 40,000 करोड़ में से 32,813 करोड़ रुपीज पहले के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे जो कि एनुअली 12,752 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी को जनरेट करेगा, जबकि रिमेनिंग 6,866 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट अटोनियल हाइड्रोप्रेट के ऊपर होगी और ये एनुअली 2,814 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। दोनों प्रोजेक्ट्स की DPR अभी हमारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा इवेल्युएट की जा रही है और जैसे ही उनके द्वारा इसको अप्रूवल दी जाती है तुरंत दोनों के ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई कोस्टल रोड से, जहां पर दोस्तों बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि मुंबई कोस्टल रोड को अब वो फेज वाइज मैनर में ओपन करेंगे और अभी इसके फेज वन को फरवरी में ओपन करने की प्लानिंग उन्होंने कर ली है। दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड बाय फार मुंबई का कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब ये बन जाएगा तो मुंबई कोस्टल एरिया का काफी बड़ा पोर्शन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन से कनेक्ट हो जाएगा। हालांकि अभी तक इसका काम हो जाना था क्योंकि नवंबर के आसपास इसकी डेडलाइन सेट की गई थी, लेकिन एज यूजुअल जैसे हमारे देश में प्रोजेक्ट्स डिले होती हैं उसी तरह ये भी प्रोजेक्ट अभी डिले फेस कर रहा है। ऑलमोस्ट 7 महीने आगे इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, मई 2024 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। अभी के समय में BMC के अकॉर्डिंग 82% तक काम इसका कंप्लीट हो चुका है और जो इसका फेज वन है जिसके अंतर्गत मरीन ड्राइव से वर्ली के बीच में जो राइट हैंड साइड है उसको ओपन करने की बात की जा रही है उसका काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। तो देखते हैं कि वो फरवरी तक ओपन हो पाता है या फिर नहीं। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक गवर्नमेंट से, जहां पर दोस्तों ई मोबिलिटी को पुश करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने EV सेक्टर को लेकर एक रिवाइज्ड पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर कर्नाटक स्टेट के EV सेक्टर में 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और साथ साथ 1,00,000 से ज्यादा जॉब भी जनरेट हो पाए। तो वैसे उसमें आपको बता दूं कि कर्नाटक हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट थी जिन्होंने सबसे पहले देश में EV पॉलिसी को लॉन्च किया था, 2017 के आसपास उन्होंने लॉन्च किया था और अब क्योंकि वो खत्म हो गई है जिसकी वैलिडिटी 5 से 6 सालों की थी तो इसके कारण नई रिवाइज पॉलिसी को लॉन्च किया गया है जिसमें उन्होंने जो EV टेस्टिंग सेंटर्स के ऊपर पहले इंसेंटिव दिए थे उसको बढ़ाकर 15 से 30% तक कर दिया है। कलबुर्गी, बेलगावी, हुबली धारवाड़, मैसूरू इस तरह की जो सिटीज हैं उनको कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा इस EV पॉलिसी के अंतर्गत मॉडल EV सिटीज के रूप में डेवलप भी किया जाएगा। इनफैक्ट कंपनीज के लिए जो रेंटल सब्सिडीज हैं उनको भी अभी इंक्रीज किया जा रहा है। EV चार्जिंग स्टेशन को लेकर बड़े बड़े जो लैंड पार्क्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत ताकि बड़े स्केल पर जो EV इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो पाए। फर्स्ट लुक में दोस्तों ये पॉलिसी काफी अच्छी देखने को लग रही है, देखते हैं कि कितना कर्नाटक के EV सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर पाती है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों UP गवर्नमेंट की नई FDI पॉलिसी को अभी काफी बड़ा पुश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इस पॉलिसी लॉन्च के कुछ दिनों के अंदर अंदर ही यूपी गवर्नमेंट को एफडीआई को लेकर लगातार प्रपोजल रिसीव हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टैक्ट समझाऊं तो आज से कुछ दिन पहले यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक एफडीआई पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम ये था कि उनकी स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अट्रैक्ट की ही जाए, साथ साथ हमारे देश की ओवरऑल एफडीआई में यूपी का शेयर और बड़े स्केल पर इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अभी काफी कम है। और इस पॉलिसी लॉन्च के बाद अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर फॉर्च्यून 500 के अंदर आने वाली जो दो कंपनीज हैं उन्होंने अप्लाई किया था, जिनको येडा के द्वारा लैंड भी अलॉट कर दी जा चुकी है। और अब थर्ड कंपनी फूजी सिल्वर टैग, जो कि एक जैपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इनके द्वारा भी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास प्रपोजल भेजा गया है, जिनका कहना है कि वो इनिशियली 100 करोड़ रुपए इसके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं येडा के सेक्टर 32 में। और अभी येडा ने इनके प्रपोजल को तो अप्रूवल दे दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 20 एकड़ ऑफ लैंड वो इसको अलॉट करेंगे। लेकिन क्योंकि एफडीआई पॉलिसी के अंतर्गत स्टेट कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी, तो अभी उन्होंने ये प्रपोजल स्टेट कैबिनेट के पास भेजा है। जैसे वहां से अप्रूवल मिलती है, जो कि मोस्टली मिलेगी ही, तो ये भी काम स्टार्ट कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट निकल कर आ रही है एक नए मेडिकल कॉलेज से, जहां पर दोस्तों बेहतर मेडिकल एजुकेशन को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा हिंगोली में एक नया मेडिकल कॉलेज अप्रूव कर दिया गया है। और इस काम को थोड़ा सा और आगे पुश करते हुए 485 करोड़ रुपीज के फंड्स भी इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। तो उससे मेडिकल कॉलेज आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल का मेडिकल कॉलेज होगा, जहां पर 100 के आसपास मेडिकल सीट्स होंगी, जबकि 430 बेड्स की कैपेसिटी वाला एक हॉस्पिटल भी सेटअप किया जाएगा। बेसिकली हिंगोली में अभी जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में चल रहा है, उसी को एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बड़े स्केल पर। और ये करना जरूरी भी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि बेसिक नीड्स की कैटेगरी में आती हैं। डीएमईआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में अभी 11 से 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और हिंगोली उन्हीं में से एक है। आगे चलकर गढ़चिरौली, वाशिम, वर्धा, बुल्ढाना, जालना, अमरावती, यहां पर भी मेडिकल कॉलेज को बनते हुए दिखाई देंगे। जबकि बात करें इस मेडिकल कॉलेज की, तो अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर इसको बनाने का टारगेट सेट किया गया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा एक और रेल कोच रेस्टोरेंट को उन्होंने ओपन कर दिया है। और इस बार वेस्ट बंगाल के अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के राजा भातखावा रेलवे स्टेशन पर इसको ओपन किया गया है। दोस्तों हालांकि ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा तो नहीं है, पर क्योंकि ये द्वार एरिया में लोकेटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट को ग्रैंड करने का काम काफी अच्छे ढंग से करता है। बात करें रेल कोच रेस्टोरेंट के बारे में, तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का जो लग्जरी ट्रेन कोच होता है उसी की तरह दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।